अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फ़ाइनल टर्म्स की तैयारी कैसे करनी है और कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा व्यू है। जस्ट आप इसको गौर से समझें तो आसानी से आप जो है 80+ 75, 70+ जो है मार्क्स हासिल कर सकते हैं। CS 403 की एक मेरे पास सॉल्व MCQ रेफरेंसेस के साथ एक फ़ाइल पड़ी हुई है, इस तरह से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। मोइस और वकार सिद्धू बेस्ट हैं पास्ट पेपर्स के लिहाज से। जैसे कि ये एक पास्ट पेपर है, इसमें आप देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हाउ मैनी क्लस्टर्ड इंडेक्स ईएस डू ईच डेटाबेस टेबल हैव क्वेश्चन मार्क्स। अब यहाँ पे देखें 2, 3, 5, 1 लिखा हुआ है, लेकिन आगे आप अगर गौर करें तो लिखा हुआ है पेज 275 रिपीटेडली। ये मतलब पेजेस में आप एक ही फाइल में कुछ क्वेश्चन बार बार आ रहे होते हैं, तो वो REP इसमें लिखा हुआ है। ये भी और जो पेज लिखा हुआ है, आप अच्छे मार्क्स हासिल करने के लिए लाजमी हैं कि आप MCQs पास्ट से तैयार करें, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पे रेफरेंस दिया होता है ना कि पेज 275, आप वहाँ से क्लियर कर लें, हैंडआउट्स में जाएं। जैसे कि ये 403 का सॉल्व MCQs है, फाइल है, तो यहाँ पे आप इसका तो पेज नंबर 275 पे ये आपको मिलेगा इसका सोल्यूशन। और इस लाइन को अगर आप रीड आउट कर लेंगे तो क्वेश्चन उसमें वही आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसका हेर फेर होता है, आगे पीछे कर लिया जाता है। तो अगर आप इसकी जो रेफरेंसेस हैं इनको देख लेंगे तो आप कभी भी जो है मार्क्स आपके कट नहीं सकते इस लिहाज से, क्योंकि ज़्यादातर पेपर इस बार सिलेबस भी कम है और जो है 90 मिनट्स का है, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि इसमें से आप काफ़ी सारा जो है पेपर इसी में से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे देखें रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी तो है, लेकिन इस ये कहाँ पे है, हम इसको एक बार जब वेरीफाई कर लेंगे एक तो भूलेगा नहीं, दूसरा ये कि इसके साथ अगर ये इसको थोड़ा बहुत हेर फेर करके दे देते हैं तो जैन हम इसको ईजीली कर सकते हैं। उम्मीद है कि इसका वे आपको पसंद आएगा।